जय यीशु, हम आपका यीशु दरबार में स्वागत करते हैं कि आप यीशु दरबार में परमेश्वर के वचन को सुने। पर यीशु दरबार का उद्देश्य ये है कि हम और आप जो सृष्टि हैं अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जानें। परमेश्वर को जानना ही हमारे लिए बहुत आशीष का कारण होगा। यीशु मसीह के वचनों पर आधारित इन वचनों को आप सुनें और आशीष पाएं। जय यीशु। हालेलुया, हालेलुया। We give glory to God for this wonderful day. और आज के दिन के लिए हम परमेश्वर को महिमा देते हैं। If you look at the book of Exodus, हम निर्गमन की पुस्तक को यदि देखें, and chapter 20, और उसका 20वां अध्याय, fourth commandment, और यहाँ पर आपको चौथी आज्ञा पढ़ने को मिलती है। God gave 10 commandments to Moses. परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी। And out of that, the fourth commandment is remember the Sabbath day. To keep it holy. और उसमें चौथा जो हुक्म है, चौथी आज्ञा है, तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। Remember the Sabbath day. सब्त के दिन को याद रखना। Six days you shall labor and do all your work. छह दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना। But the seventh day is the Sabbath day of the Lord your God. परंतु सातवां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। In it you shall do no work. उसमें ना तो कोई किसी भांति का कामकाज करना। यू नॉर योर सर्वेंट नॉर योर सन नॉर योर डॉटर नॉट योर मेल सर्वेंट नॉर योर फीमेल सर्वेंट नॉर योर कैटल नॉर योर स्ट्रेंजर हु इज विद इन योर गेट्स। ना तू काम करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। फॉर इन सिक्स डेज द लॉर्ड मेड द हेवंस एंड द अर्थ एंड द सी एंड दैट इज ऑल इन देम एंड द रेस्टेड ऑन द सेवंथ डे। Therefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. क्योंकि छह दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है उन सब को बनाया और सातवें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया। Bible says the God blessed the Sabbath day. और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने सब्त के दिन को बरकत दी है, आशीष दी है। And those who will observe the day of Sabbath shall also be blessed. और वे लोग जो सब्त के दिन को मनाते हैं, उनको भी आशीष मिलेगी। If you look in the Genesis chapter 2, यदि हम उत्पत्ति के दूसरे अध्याय को देखें, we read it from verse 1 to 3. हम पहले तीन पद ही पढ़ें। Thus the heavens and the earth and all the host of them were finished, and the seventh day God ended his work. Which he had done, and he rested on the seventh day from all his work which he had done. Then God blessed the seventh day and sanctified it, because in it he rested from all his work which God had created and made. This is the history of the creation of heavens and the earth that God created. And in that day, God made the earth and the heaven. यहाँ यूँ लिखा है कि आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वो करता था सातवें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से सातवें दिन विश्राम किया और परमेश्वर ने सातवें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। इफ वी बिलीव दैट वी आर द क्रिएशन ऑफ गॉड, डू यू बिलीव? क्या आप विश्वास करते हैं कि आप परमेश्वर की बनाई हुई रचना है? Then we must know there is a story of creation written in some books, and that is called Bible. इसलिए हमें जानना है कि सृष्टि की जो पूरा वृतांत है वो बाइबल की किताब में लिखा है। And Bible has been proved time and again through the archaeological evidences in the history of mankind. और जो बाइबल की बातें हैं उनको तरह तरह के जो पुरातत्व विज्ञानी हैं जो इतिहास की खोज करते हैं उन्होंने बार बार इसकी बातों को खोजा है और सही पाया है। एंड ऑल द बाइबल दैट वाज रिटन इट इज विद इन द इसराइल। और जो कुछ बाइबल में लिखा गया वो इसराइल में घटा। वी ऑल नो इसराइली पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट। हम सब जानते हैं कि इसराइल वासी बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। स्मॉल कंट्री, छोटा सा देश है, वेरी टाइनी, बहुत ही छोटा है, मे बी इक्वलेंट टू इलाहाबाद एंड कानपुर, और इलाहाबाद और कानपुर के बराबर का ही देश है। बट रिमेंबर इट इज वन ऑफ द माइटी पावर ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन आप इस बात को जान लें कि वो दुनिया के शक्तिशाली देशों में से एक है। इट माइट बी आफ्टर यूएसए और इवन इक्वलेंट टू अमेरिका।
और हो सकता है अमेरिका के बाद ही सबसे ताकतवर हो, बल्कि उसके बराबर ही ताकतवर हो. ऑल द इन्वेंशंस यू टॉक अबाउट, जितने भी आविष्कार होते हैं, टॉक अबाउट द एटम, आप एटम की बात करें, टॉक अबाउट द न्यूक्लियर पावर, जो न्यूक्लियर शक्ति है उसकी बात करें, न्यूक्लियर डिस्क्रिप्शंस, यू नो आइंस्टाइन, आइंस्टाइन वाज अ ज्यू फ्रॉम इजराइल. तो न्यूक्लियर डिस्क्रिप्शन आप देखेंगे और आइंस्टाइन को आप सोचें तो आइंस्टाइन भी इजराइल के ही यहूदी थे. सो ऑल द डिस्कवरीज दैट आर मेड, जितनी भी खोज की जाती है दुनिया में, ऑल द ह्यूमन हिस्ट्री इन्वेंशंस आर डन, और मानव इतिहास में जितने भी खोज हुई है, 90% वर डिस्कवर्ड बाय इजराइलीज, 90% उसमें इसराइल के देश के लोगों ने ही खोज की है. एंड मोर देन 70% द ज्यूज आर द रिसिपिएंट ऑफ नोबेल प्राइज, और जो नोबेल पुरस्कार है उसमें 70% पाने वाले लोग यहूदी रहे हैं. आई वेंट टू इसराइल, मैं इसराइल में गया. आई थिंक एटलीस्ट 3 times आई हैड गॉन, कम से कम 3 times मैं गया हूँ. एंड आई फाउंड दैट इसराइल वॉज कम्प्लीटली क्लोज्ड ऑन द सैटरडेज, मैंने देखा कि शनिवार के दिन इसराइल पूरी तरह से बंद रहता है. एंड आई वॉज कंसर्न वेयर टू गेट द वाटर, वेयर शॉप विच गो, वेयर, टोटली क्लोज एवरीथिंग, इवन दे विल नॉट टर्न ऑन द बटन्स स्विचेस, दे वॉज वेरी स्ट्रिक्ट ऑन ऑब्जर्विंग द सबत. मैं सोचता था कि यहाँ पर अगर कोई वर्कशॉप कैसे काम करती है, वो इतने ज़्यादा इसको लेकर सख्त हैं कि बटन तक नहीं दबाते. So imagine they observed the Sabbath for years, thousands of years. और कल्पना कीजिए कि हजारों साल से वो सब्त के दिन को मना रहे हैं. And they remember their creator. और वो अपने सृष्टिकर्ता को याद रखते हैं. They remember the creation. वो सृष्टि को याद करते हैं. And therefore they are blessed. और इसीलिए उन पर आशीष हुई. When we observe this commandment, our institution was blessed. और जब हमने इस आज्ञा को माना तो हमारे संस्थान पर आशीष हुई. इमेजिन वी बिकेम द प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट इन द इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इन 98. सोचिए कि हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अधीन एक प्रोफेशनल संस्थान बने 1998 में. इन 2000 वी बिकेम द डीम्ड यूनिवर्सिटी, और सन 2000 में हम लोग डीम्ड यूनिवर्सिटी बने. 2016 वी बिकेम स्टेट यूनिवर्सिटी, और 2016 में हम लोग एक राज्य विश्वविद्यालय स्टेट यूनिवर्सिटी बने. When I took over, there were hardly 800 students in the campus. जब मैं यहाँ पर आया तो कैंपस में मुश्किल से 800 स्टूडेंट हुआ करते थे. And 120 staff. और 120 स्टाफ के लोग थे. Today we have more than 1200 staff. और आज हमारे पास 1200 से अधिक स्टाफ मेंबर हैं. We have more than 12,000 students. और 12,000 से अधिक हमारे छात्र छात्राएं. Our campus was that time having around 400 acres of land, 4.5 acres of land, 500 acres of land. उस समय हमारे संस्थान के पास 400 से 500 एकड़ जमीन हुआ करती थी. During this period, we were able to purchase more than 400 acre land additionally. और लेकिन उस समय के बाद हम लोगों ने 400 एकड़ और जमीन खरीदी है. For the institution. इस संस्थान के लिए. So our blessings are immense. इसलिए हमारी जो आशीष है बहुत बड़ी है. It is all absolute grace of God. और ये केवल परमेश्वर की अनुग्रह ही के कारण हुआ. And that is why we encourage you to attend the Sabbath day prayer meeting. इसीलिए हम आपसे इस सब्त के दिन इस प्रार्थना सभा में आने का आग्रह करते हैं. Because something that God has blessed. क्योंकि ये वो बात है जिस पे परमेश्वर की आशीष हुई है. Something God rested from his work of creation. परमेश्वर ने सृष्टि के अपने काम से विश्राम किया. That God made a day that he must be remembered on that day. और परमेश्वर ने एक दिन बनाया जब उसको हमें याद करना है. Because God is the Lord of Sabbath. क्योंकि परमेश्वर सब्त का ही प्रभु है. He is the creator of heavens and the earth. वो स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला है. He wants his creation to remember him at least once in a week. और चाहता है कि उसकी रचना उस कम से कम हफ्ते में एक बार उसे याद करे. And this is the creation that we are his creation. और हम and ही We remember our Creator on the day of Sabbath. और हम ही उसकी रचना है और इसलिए सब्त के दिन कम से कम उसे याद करना है. So we have a duty to thank Him. और ये हमारा फर्ज है, कर्तव्य है उसके उसको धन्यवाद करना. When we thank our Father, जब अपने पिता का धन्यवाद करते हैं, that is the biggest gift that you offer to Him. और वो सबसे बड़ा उपहार है जो हम उसे दे सकते हैं. And He will certainly release His blessings of life upon you. और वो निश्चित तौर पर अपने जीवन की आशीष हम पर प्रवाहित करेंगे. Many of you may be thinking, why are we meeting on Saturdays? इसमें इसलिए आप में से कई लोग सोच सकते हैं कि हम शनिवार को क्यों मिलते हैं. And not observing the Sabbath as per the law of the Israelites. और अगर हम सब्त के दिन को इसराइलियों की व्यवस्था के अनुसार ना माने, then they must be stoned to death.
तो वहां पर उसे पत्थर मार कर मार दिया जाता था. जीसस क्राइस्ट चेंज्ड द होल लॉ, ही जस्ट ट्रांसफॉर्म्ड द लॉ. यीशु मसीह ने सब व्यवस्था को बदल दिया. ही ब्रॉट द मर्सी अपॉन द लॉ. उसने व्यवस्था के ऊपर दया को रखा. मींस मर्सी प्रिवेलेथ ओवर द लॉ. और जो दया है वो व्यवस्था से ऊपर उसने उसको किया. इमेजिन आफ्टर ऑल द लीगल ऑप्शंस आर एग्जॉस्टेड बाय एनीवन इन द कोर्ट्स एंड द हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स एंड देयर इज देन वन ऑप्शन लेफ्ट कॉल्ड मर्सी अपील. अब जब भी हम देखते हैं कि किसी भी कोर्ट में कानून की सारी जो बातें होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, कानूनी तौर पे आपको कुछ नहीं मिलता, तो एक चीज़ रह जाती है, वो है दया की याचिका. एंड दैट इज़ गिवन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ द स्टेट. इफ दे डिसाइड सो दे कैन ट्रांसफॉर्म द कन्विक्शन इन टू ए लाइफ इम्प्रिजनमेंट और इवन लीव द पर्सन आउट और डेथ पेनल्टी कैन बी फॉरगिवन. ये अधिकार राज्यपाल को दिया गया है, देश के राष्ट्रपति को दिया गया है कि वो यदि किसी को दंड मिला है उस दंड को कम कर दें, किसी को मृत्यु दंड मिला है तो उसको जीवन के दंड में बदल दें या फिर उसको छोड़ ही दें. देन मर्सी केम ओनली आफ्टर जीसस क्राइस्ट रेवोल्यूशन. और ये जो दया की बात है ये केवल यीशु मसीह की क्रांति ही के बाद हुआ है. 2000 years ago. 2000 साल पहले. And thereafter, every government, every law in the world included the mercy appeal in their course of judgments. और उसके बाद से दुनिया की हर सरकार ने अपने कानून में दया की याचिका को सम्मिलित कर लिया है. Today we have this mercy appeal in all over the world. और आज वो दया हम पर हुई है, पूरी दुनिया पर हुई है. And Jesus did not mean the mercy of this worldly convictions. और यीशु मसीह जो है वो इस दुनिया में जो दंड मिलता है उसकी दया की बात नहीं कर रहे हैं. ही हैड मोर सुप्रीम मीनिंग ऑफ मर्सी. उनकी दया का मतलब उससे भी बढ़कर है. दैट वॉज फॉरगिवनेस ऑफ सिंस ऑफ द मैनकाइंड. और वो दया है मनुष्य के, मानव जाति के पापों की क्षमा. पीपल इन द जेल आर नॉट ऑल सिनर्स. जेल के अंदर जो लोग हैं वो सब के सब पापी नहीं हैं. There are people outside the jail, majority is sinners. और जेल के बाहर कई ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो पापी हैं. And Bible says all have sinned and fall short of the glory of God. लेकिन बाइबल कहती है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं. So imagine then everybody needs mercy. इसलिए याद रखिए कि हर किसी को दया की जरूरत है. Because we are born in sin and we die in sin. क्योंकि हम पाप में पैदा होते हैं और पाप ही में मर जाते हैं. That state has to change. और ये अवस्था बदली नहीं है. That state has to change. और ये अवस्था को बदलना जरूरी है. And this state change was brought in by the law of love. By Jesus Christ, the Son of God. और इस अवस्था में जो बदलाव आया है वो यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र के द्वारा आया है. Because God so loved the world. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया. He gave his only begotten son. कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया. Whosoever believeth him should not perish. कि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो. But have eternal life. परंतु अनंत जीवन पाए. So that everlasting life was brought in through the Son of God. तो जो अनंत जीवन है वो परमेश्वर के पुत्र के द्वारा आया. That means this body is the body that is the house of a soul. तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो शरीर है वो हमारे प्राण का एक घर है. This is the house of the spirit of man. और मनुष्य की आत्मा का घर है हमारी देह. And this house has been manipulated by the worldly things. और इस घर पर सांसारिक बातें जो हैं वो हावी होती जा रही हैं. The lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life, the covetousness, all kind of greed, jealousies have spoiled our soul. और हमारी जो आत्मा है इसको कई दुनियावी चीजें, जो लोभ है, लालच है, जो आंखों की अभिलाषा है और जीविका का घमंड है, और ये सब चीजें हैं इस पर हावी हो गई हैं. And Jesus Christ, Son of God, came here and he took birth as an unblemished lamb of God.
और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और निष्कलंक मेमने की तरह उन्होंने जन्म लिया. He was born of the Holy Spirit through a virgin. वो एक कुमारी के माध्यम से पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुए. Mother Mary was virgin when she gave birth to Jesus. और जब यीशु मसीह को जन्म दिया तो माता मरियम कुमारी थी. And she was pregnant by the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के द्वारा उन्होंने गर्भ धारण किया. Because Holy Spirit hovered over her. और पवित्र आत्मा उनके ऊपर मंडलाया. Holy Spirit is God. और पवित्र आत्मा परमेश्वर है. And that Holy Spirit took the body, the flesh of humankind. और उस पवित्र आत्मा ने मानव का देह धारण किया. And he came out as a man. और वो एक मनुष्य के रूप में आया. Man to speak to man. मनुष्य आया ताकि मनुष्यों से बात करे. God in man. और परमेश्वर मनुष्य में. In order to talk to man. कि वो मनुष्यों से बात कर सके. In the language of man. और मनुष्य की भाषा में बात कर सके. And communicate to them the will of God. और उन्हें परमेश्वर की इच्छा के बारे में बताए. And God's will is not sending mankind into the hell of fire. और परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है कि मानवता को नरक की आग में झोंक दे. God's will is to send humankind into heavenly places. परमेश्वर की इच्छा ये है कि मानव जाति को स्वर्गिक स्थानों में ले जाए. And therefore he sent his only begotten son, made him man, to come to the hellish world and deliver the mankind from dying humanity. इसीलिए उसने अपने पुत्र को भेजा कि वो इस नरकमय जीवन और नरकमय दुनिया में आए और लोगों को यहां से बचा ले. And this is the work of the Son of God. और यही परमेश्वर के पुत्र का काम है. Bible says he took the responsibility of the sins of the man. बाइबल बताती है कि उसने मनुष्य के पापों को अपने ऊपर उठा लिया. He was wounded for our transgressions. हमारे पापों के कारण वो घायल किया गया. He was bruised for our iniquities. और हमारे पापों के कारण उस पर ताड़ना पड़ी. He was chastised for our peace. और हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी. So by his stripes we are healed. और उसके कोड़े खाए जाने से हम चंगे हुए. So this Jesus Christ. और ये यीशु मसीह. Took the responsibility of the punishment of the sins of the world, the sins of the mankind. And punish that sin on the flesh. और उसने मनुष्य के पापों की जिम्मेवारी खुद ली और पापों को ही उसने क्रूस पर सजा दी. And he shed his own blood. और अपना खुद का लहू उसने बहाया. If somebody is dying in the hospital. यदि कोई अस्पताल में मर रहा है. You need a blood. उसे खून की जरूरत होती है. And that blood, a human blood. और उसे मनुष्य के खून की जरूरत होती है. They will say, bring donors, not goats and cows or buffaloes. वो कहेंगे कि आप किसी का खून, किसी डोनर का खून लेकर आए, लेकिन किसी जानवर का, किसी गाय या भैंस का खून नहीं चाहिए. Imagine, human lives are saved not by the blood of the animals, but by the blood of men. जो मानव का जीवन है वो पशुओं के लहू से नहीं बचाया जाता, केवल मनुष्य के लहू से बचाया जाता है. When you transfuse the blood of the man into the blood of the man, then man is saved. जब मनुष्य का लहू मनुष्य के शरीर में डाला जाता है तभी मनुष्य बचता है. And therefore the sacrifice of animals, इसीलिए जो पापों के लिए पशुओं का बलिदान चढ़ाया जाता था, God is not accepting it. परमेश्वर उसे स्वीकार नहीं करते. Man cannot be saved by the blood of the animals. जो मनुष्य है वो पशुओं के बलिदान से बच नहीं सकता. Man is saved by the unblemished lamb of God. That is the man who is unblemished, never committed sin. Holy, completely holy. And that was no one on earth ever born except Jesus Christ, the Son of God. मनुष्य केवल निष्कलंक मेमने के द्वारा बचाया जा सकता है. जो बाइबल बताती है परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है, केवल उसी के द्वारा हम पापों से बचाए जा सकते हैं. He took the responsibility, he shed his own blood, that by his blood we are sanctified and our souls are saved. उसने जिम्मेवारी ली और अपना लहू बहाया जिससे हमारी आत्माएं पवित्र होती हैं और हमारे पाप क्षमा होते हैं. So imagine this prophet Elisha. तो कल्पना कीजिए कि ये जो नबी था, भविष्यद्वक्ता एलीशा था. He is a disciple of Elijah. वो एलिया का चेला है, शिष्य है. And Elijah was a mighty prophet of his time. और अपने समय का बहुत बड़ा भविष्यद्वक्ता था एलिया. He will take out his mantle and hit the river
the river will divide in two halves. जब वो अपने चादर को निकाल कर रेंट कर पानी में मारता था तो पानी दो भाग हो जाता था. He will pray to God and that fire will come from heaven and burn the sacrifices. परमेश्वर से प्रार्थना करता था तो स्वर्ग से आग उतर कर आती थी और उस बलि को ग्रहण करती थी. Several times he did. He was surrounded by the armies. और कई बार ऐसा हुआ कि पूरी सेना उसके आसपास खड़ी हो गई. And he commanded the fire to come from heaven and burn them straight away. और उसने आसमान से आग को बुलाकर उनको भस्म कर दिया. He did that. He was a mighty prophet. क्योंकि वो बहुत ही महान और सामर्थ्यशाली नबी था. He could have Elisha, the disciple should have asked him all those fiery gifts that Elijah had. तो एलिया ने एलिशा से पूछा तुम्हें क्या चाहिए, वो सब इस तरह के जो वरदान थे, आग के वरदान थे, वो मांग सकता था. He did not ask for that. लेकिन उसने वो सब नहीं मांगा. He did not ask for the kingdom. उसने कोई राज्य की मांग नहीं की. He did not ask for the worldly powers. उसने सांसारिक ताकत की मांग नहीं की. But what did he ask? लेकिन उसने क्या मांगा? He asked for the spirit. उसने आत्मा की मांग की. Because he knows there is a life in the spirit. क्योंकि वो जानता था कि जीवन आत्मा में है. And he wanted the same spirit, the double portion of the Elijah's spirit must come upon him. Anointing, he wanted that. उसने कहा कि जो आत्मा एलिया में है उसका दूना भाग उसे मिले, यानी उसके अभिषेक का दूसरा दूना भाग उसे मिले. Because he wanted to walk by the spirit, not by the flesh. वो चाहता था कि वो आत्मा के चलाए चले, शरीर के चलाए नहीं. It is very interesting, the Saint Paul in the Romans 8. और संत पौलुस ने रोमियो उसके 8 अध्याय में बहुत ही दिलचस्प बात लिखी है. Romans 8 verse 9 and 10, 9 to 13. रोमियो उसके 8 में और 9, 10, 11 में लिखा है. He says, you can read from 7th verse, because the carnal mind is enmity with God. और वहाँ यूँ लिखा है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है. For it is not subject to the law of God, nor indeed can be. क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है. So then, who are in the flesh cannot please God. और जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते. That is why the Elisha asked for the spirit and not for the flesh. और इसीलिए एलिशा ने आत्मा की मांग की और शरीर की मांग नहीं की. Elisha asked Elijah, give me the double portion of your spirit. Elisha ने एलिया से कहा कि मुझे अपने आत्मा का दूना भाग दो. Because man in the flesh cannot please God. क्योंकि शारीरिक दशा में मनुष्य परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता. 9th verse says, but you are not in the flesh but in the spirit. If indeed the spirit of God dwells in you, now if anyone does not have the spirit of Christ, he is not his. 9वें पद में लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो. यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं. And if Christ is in you, the body is dead because of sin, but the spirit is life because of righteousness. यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है. But if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who dwells in you. यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा. Therefore, brethren, we are not debtors, not to the flesh, to live according to the flesh. इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें. For if you live according to the flesh, you will die. But if you live by the spirit, you put to death the deeds of the body, you will live. क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे. For as many as are led by the spirit of God, these are the sons of God. इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं. So Elisha understood that if he walks by the spirit and he is led by the spirit of God, then he will be considered as the sons of God. और एलिशा ने इस बात को जान लिया कि यदि वो आत्मा के चलाए चलेगा तो ही वो परमेश्वर की संतान कहलाया जाएगा. Let the spirit of God lead our body, mind and soul. तो आइए होने दें कि परमेश्वर का आत्मा हमारे मन, प्राण और आत्मा को और शरीर को चलाए.
If the Spirit of God leads you, then you will never hate anybody. यदि परमेश्वर का आत्मा आपको चला रहा है, तो आप कभी किसी से नफरत नहीं करेंगे. You will not distinguish between the people groups. और इसलिए आप लोगों में और समूहों में फर्क नहीं करोगे. You will not discriminate on the basis of caste, creed, or religions. और आप धर्म, जाति और रंग के आधार पर कभी भेदभाव नहीं करोगे. और color or creed. चाहे रंग और धर्म कुछ भी हो. Whatever. कुछ भी. Richness or lowness, poverty or poor man or a rich man. अमीर और गरीब में आप भेदभाव नहीं करोगे. You cannot do that because you are looking at the spirit of man. क्योंकि आप वो नहीं करोगे क्योंकि आप मनुष्य की आत्मा को देख रहे हो. Jesus Christ and our Saint Paul is commending the mankind to walk by the spirit and not by the flesh. और यही बात संत पौलुस कह रहे हैं कि हम लोग आत्मा के चलाए चलें, शरीर के चलाए नहीं. Therefore our demand, Jesus Christ also sent a great helper. और इसीलिए यीशु मसीह ने हमें हमारे लिए सहायक भेजा है. In John chapter 14, यदि आप यूहन्ना सुसमाचार के 14 अध्याय को देखें, उसके 15 पद से, from 15th verse, और देखें उसका 15 पद यूं कहता है, Jesus said, if you love me, keep my commandments. यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, यीशु मसीह कह रहे हैं, तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे. I will pray to the Father, He will send another Helper that He may abide with you forever. मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा. 17th verse says, the Spirit of Truth. अर्थात सत्य का आत्मा. The Spirit of Truth is the Spirit of God. और ये सत्य का आत्मा ही परमेश्वर का आत्मा है. And the spirit of lie is the spirit of Satan. और जो झूठ का आत्मा है वो शैतान का आत्मा है. And the spirit of lie is tormenting the world. और झूठ का आत्मा इस दुनिया को तड़पा रहा है. They are trying to suppress the truth by the lies of the world. और वो दुनिया के झूठ से सत्य को दबाने की कोशिश कर रहा है. But Jesus says the spirit of truth whom the world cannot receive because it neither sees him nor knows him, but you know him, for he dwells with you and will be in you. और यीशु मसीह कहते हैं, सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता और ना उसे जानता है, तुम उसे जानते हो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा. We thank God that Jesus has not left us orphans. और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, यीशु का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें अनाथ नहीं छोड़ा. After his resurrection, he was taken to heaven alive. और पुनरुत्थान के बाद वो स्वर्ग पे सदैव उठा लिया गया. Therefore, our hope in His word is living hope. इसीलिए उनके वचन में हमारी आशा जीवित आशा है. Whoever will believe in Him, जो भी उसमें विश्वास करेगा, should not perish, वो नाश नहीं होगा, but have everlasting life, लेकिन अनंत का जीवन पाएगा. We are looking for everlasting life, और हम अनंत जीवन की खोज कर रहे हैं. And this is available in the Son of God, और ये अनंत जीवन उसके पुत्र में है. If you wish to have that eternal and everlasting life, यदि आप उस अनंत जीवन को पाना चाहते हैं, you have to come to the Lord Jesus Christ, आपको यीशु मसीह के पास आना होगा. And He is willing to give you freely, और वो आपको निशुल्क ही ये दे रहा है, without conditions, बिना किसी शर्त के. You can receive Him as your Lord and Savior. आप उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर सकते हैं. He will give you the Holy Spirit, the Spirit of Truth. वो आपको सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा देगा. That Spirit of Truth will lead you. और वो पवित्र का आत्मा आपका मार्गदर्शन करेगा. Into everlasting life. और अनंत जीवन में. Amen. Amen. जय यीशु. परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो कि आज आपने बाबा जी के वचनों को सुना, यीशु मसीह के वचनों के ऊपर जो आधारित हैं, और आशीष पाई है. हम आपको चार पुस्तकों के बारे में बताना चाहते हैं. पहली पुस्तक है मुक्ति मार्ग, जो कि यीशु मसीह के संदेश को संक्षेप में बताती है. दूसरी पुस्तक है तुम मुझे क्या कहते हो, इसमें यीशु मसीह कौन है उनके बारे में आप जान सकते हैं. तीसरी पुस्तक, जिसको कि हम कहते हैं यीशु का पुनरुत्थान, क्या यीशु मसीह जी उठे, यदि जी उठे तो किस प्रकार से हम ये प्रमाणित कर सकते हैं. और अंतिम पुस्तक जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, वो मानव मुक्ति दिवस, अर्थात यीशु मसीह का जन्म वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, और उसके जन्म के क्या कारण थे, इसमें आपका पूरी तरीके से ऐतिहासिक वर्णन पाया जाता है. उसी के साथ साथ हम आपके सामने बाबा जी की पुस्तक, जिसको कि हम यीशु दरबार भजन बताते हैं, इसके साथ साथ आपको उन गानों की ये सीडी मिलेगी. आप इनको मुफ्त प्राप्त कर सकते हैं. आप हमसे ज़रूर संपर्क करिए. संपर्क करने का तरीका क्या है, बहुत आसान है. आप अपने सेल फोन पर जाइए और वहाँ पर यीशु दरबार जो यूट्यूब में चैनल है उस पर जाइए. यूट्यूब में जाइए, वहाँ आप टाइप करिए यीशु दरबार .org, और जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको यीशु दरबार चैनल मिलेगी. यीशु मसीह के नाम में आमीन. जय यीशु.
प्रभु मुझे ले चल, प्रभु मुझे ले चल सतगुरु पास, सतगुरु में है आनंद का वास। प्रभु मुझे ले चल सतगुरु पास, सतगुरु में है आनंद।